कलाम दिया गल्ला कलाम दिया कलाम दिया कलाम दिया जिथे प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 33 बाप 3 आयत विच तू मैनु पुकार अते मैं तेनु उत्तर देवांगा। सचमुच खुदा का किन्ना सोहना वचन है जिस विच परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी हर गल का जवाब देवांगा, तू जो भी परमेश्वर तो मंगेगा वह तेनु मिलेगा अते हर चीज़ का तेनु उत्तर दिता जाएगा। शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मैं तुहाड़ी होस्ट गीतू पॉल प्रार्थना भवन टीवी दे पूरे परिवार दे वल्लों तुहाड़ा सारियां दा स्वागत करती हाँ इस अनोखे अते अद्भुत शो दे विच जिसका नाम है गल्लां कलाम दियां। वेलकम टू ऑल गल्लां कलाम दियां प्रोग्राम विच इज ऑर्गनाइज्ड बाय प्रार्थना भवन टीवी जलंधर डायसिस की रूहानी धड़कन प्रार्थना भवन टीवी। ते अज असी आए हाँ सेंट पैट्रिक्स कैथोलिक चर्च नई आबादी पैरिश विखे। तो सब तो पहला मैं साढ़े महान परमेश्वर का जोरदार ताड़िया के नाल धन्यवाद करती हाँ जिसने सानू आज नई आबादी पैरिश विच इकट्ठे होने का मौका दिता। उसके नाल ही मैं स्वागत करती हाँ रेवरेंड फादर सिजित एंथोनी जी का जिन्होंने सानू इजाजत दी अपनी इस पैरिश विच आउन दी अते इस प्रोग्राम नू करन दी। सो असी जोरदार ताड़िया दे नाल फादर जी का धन्यवाद भी करते हाँ अते नाल ही फादर जी का इस प्रोग्राम दे भी स्वागत भी करते हाँ। उसके नाल ही मैं स्वागत करती हाँ नई आबादी के सारे सिस्टर साहिबान बाबू जी साहिबान पैरिश काउंसिल दे मैंबर्स मरियम सेना दे मैंबर्स यूथ दे मैंबर्स अते नई आबादी दी पूरी कलीसिया दा तुहाडा जोरदार ताड़ियां दे नाल इस प्रोग्राम दे विच स्वागत है। उस दे नाल ही मैं धन्यवाद करदी हाँ रेवरेंड फादर मार्टिन साधक जी दा जो कि प्रार्थना भवन टीवी दे डायरैक्टर हन अते उन्हां दी अगवाई हेठ ये प्रोग्राम हो रहा है। सो असीं जोरदार ताड़ियां दे नाल फादर जी दा भी धन्यवाद करदे हाँ। सो असी अपनी पहली एक्टिविटी वल जावांगे जिसका नाम है टेस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रीडिंग्स। इस दे विच की होएगा जो तुसी आज दे पाठ सुने हन पहला पाठ दूसरा पाठ अते अंजील उस दे विचों तुहानू कुछ सवाल जवाब पूछे जाणगे अते इस दे जो रूल हन जिसनू भी उसका आंसर आंदा होवेगा उसने की करना है हाथ खड़ा करना है खड़े हो जाना है अते माइक ऑन तक वेट करना है। ठीक है अते माइक विच ही तुसी आंसर देना है। समझ आ गया? ठीक है अते जिसने भी हरेक सवाल का सही जवाब दिता उसनों प्रार्थना भवन टीवी वालों इनाम है। ठीक है सो सारे ने ध्यान ना सुनना अज का जो पहला सवाल है जदों बुरा मनुख बुरे काम छड़ के भले काम करना शुरू कर दिंदा है तो वह की बचाउंदा है। जिसनों भी आंसर आंदा है हाथ खड़ा करना है। मैं क्वेश्चन रिपीट करांगी जदों बुरा मनुख बुरे काम छड़ के भले काम करना शुरू कर दिंदा है तो वह की बचाउंदा है। हाँ जी मैम खड़े हो जाओ। ता वो मनुख अपना जीवन बचावेगा। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब जोरदार ताड़ियाँ। मैम तुसी अग्गे आके अपना इनाम लै लो फादर जी को। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट सवाल है अज का पहला पाठ कितों लिया गया सी आयत समेत बयान करो। हाँ जी सर खड़े हो जाओ। अज का पहला पाठ हिजकेल नबी का ग्रंथ उस 18 बाप
25 ਤੋਂ 28 ਐਤ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਹਿਸਕੇਲ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 18 ਬਾਬ 25 ਤੋਂ 28 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਫਿਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੋਡਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਘੁਟਣਾ ਝੁਕੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਇਤ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਬਾਬ 28 ਤੋਂ 32 ਆਇਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਬਾਬ 28 ਤੋਂ 32 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਜੀਲ? ਚੈਪਟਰ ਬਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 21। ਆਇਤ? ਹਾਂਜੀ 28 ਤੋਂ 32 ਆਇਤ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰੀ ਮੈਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਮਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮੌਕਾ। ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਸ ਦਾ ਪਾਰਸਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਕਸ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਹੈ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਾਕਸ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਮੈਮ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਜਾਓ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਗਏ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ,
हुण तुसी पर्ची खोलो ते अपना टास्क जो है माइक विच बोलना। सत सैक्रामेंट। हाँ जी मैम दा जो टास्क है बहुत ही इजी टास्क है, सत सैक्रामेंट। हाँ जी मैम। पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्कला, तीसरा प्राक्षक, तीजा बीमारां दी माली, चौथा पाकित। मैम तुसी विच भुल गए, दोबारा बोलना, आराम ना हौली हौली बोलो, कोई गल नहीं। पहला पाकशाक। मैम पहला ताडी भी बारी आने वाली आ, हसो ना। ठीक है। पहला बपतिस्मा, दूसरा पाकशाक, तीजी पाक। कोई नहीं मैम, डरना नहीं है, अपनी कलीसिया, अपना चर्च ते अपने ही लोग। हाँ जी आराम ना बोलो, तुसी याद करके बोलो। पहला बपतिस्मा, दूसरा पाकशाक, कोई गल नहीं। कोई होर जिसनू आंदे सत सैक्रामेंट। हाँ जी पिछे आ जाओ मैम, ब्लैक चुन्नी। हाँ जी हाँ जी, तुसी जड़े पिछे देखते पे आ। हाँ जी बच्चा, कोई गल नहीं, फिर भी उस उन्हें मैम ने कोशिश तो की, जोरदार ताड़ियाँ मैम वास्ते। सत सैक्रामेंट। पहला इस्तकलाल। पहला पहला बपतिस्मा, दूसरा इस्तकलाल, तीसरा पाकशाकत, चौथा इतराफ, पंजवा बीमारा मालिश, छेवा पाकदमा, सतवा व्याह। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताड़ियाँ बच्चे वास्ते, उन्होंने बिल्कुल सही बोले सैक्रामेंट। हाँ जी सर तुसी खोलो हूँ अपना बॉक्स। हाँ जी इन्हां नूं पंजाबी नहीं पढ़नी आउंदी, तुहाडा जो टास्क है वह है खुशी दे भेद। तुहानूं आंदे खुशी दे भेद? कोई गल नहीं तुसी जा सकदे अपनी जगह ते। कोई होर जिसनूं खुशी दे भेद आंदे? हाँ जी तुसी आ जाओ। आ बच्चा खुशी दे भेद। पहला फरिश्ते दा सुनेहा, दूसरा तन कुआरी मरियम दा इलिज़बर नूं मिलना, तीसरा प्रभु यीशु मसीह दा जन्म, चौथा प्रभु यीशु मसीह दा हैकल विच पेड़ चढ़ाया जाना, पंजवा प्रभु यीशु मसीह दा हैकल विच उलाब पैना। हाँ जी बिल्कुल सही भेद बोले उन्होंने, जोरदार ताड़ियाँ। तुसी अपना इनाम लै लो फादर जी कोलों जाके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही है, बोरिंग तो नहीं है? नैक्सट राउंड करिए फिर। नैक्सट राउंड उत्थे ही शुरू होएगा जिथे पहला खत्म होया सी। ठीक है। हाँ जी म्यूजिक जल्दी जल्दी पास करना, रोकना नहीं है, तेज तेज करो पास। हाँ जी हाँ जी पास करो। हाँ जी आ जाओ, किन्ना दे कोल आया बॉक्स इधरों, किदे कोल आया? हाँ जी मैम आ जाओ, कोई गल नहीं, उठो मैम, आ जाओ कोई गल नहीं। सर आ जाओ इधरों, किन्ना दे कोल पास आया? हाँ जी जोरदार ताड़ियाँ सर वास्ते। हाँ जी तुसी भी आ जाओ। हाँ जी मैम तुसी पहला बॉक्स ओपन करना। तौबा दा अमल। इन्हां दा जो टास्क है वह है तौबा दा अमल। हाँ जी तौबा दा अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल नाल अफसोस करनी हाँ, क्यों जो मैं अपने गुनाहां नाल तैनूं नाराज़ किया, जिहड़ा तू बेहद चंगा ते सारे प्यार दे लायक है, नाल मैं पक्का इरादा भी करदी हाँ तेरी पाक फजल की मदद नाल फिर गुनाह ना करांगी अते गुनाह दे राहां तों दूर रहांगी। हाँ जी बिल्कुल सही प्रेयर बोली उन्होंने, जोरदार ताड़ियाँ मैम ली। हाँ जी सर तुसी बॉक्स ओपन करो, एक पर्ची काट लो बिचो। हाँ जी माइक च तुसी अपना टास्क पहला बोलो। हाँ जी माइक च बोलो, पहला तुसी अपना टास्क बोलो, टास्क दसो, तुहानू टास्क की मिलिया? माँ मरियम दा गीत। हाँ जी माँ मरियम दा गीत, इन्हां दा जो टास्क है माता मरियम दा गीत। देखो तुसी किन्ना डरदे पे सी और तुहानू बड़ा ही वधिया ईजी टास्क मिलिया। कोई भी मन पसंदीदा माँ मरियम दा गीत तुसी गा के दसना। ठीक है, थोड़ा भावें दो लाइनां ही गाओ। तन 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 मरियम प्यारी माँ, सब कलीसिया दी प्यारी माँ, तन तन मरियम प्यारी माँ, सब कलीसिया दी प्यारी माँ। हाँ जी जोरदार ताड़ियाँ सर ली, उन्होंने कोशिश तो की है ना, है ना। सानू परमेश्वर ने जिस तरह की भी आवाज़ दी है सानू हमेशा उसकी वडियाई करनी चाहिए है ना।
फिर भी उन्होंने कोशिश की, बहुत वधिया गाया। कोई होर मां मरियम का गीत जो गा सकता, कोई भी कलीसिया च, कोई भी? सर वेट करो। हाँ जी मैम आ जाओ। मां मरियम का गीत। मरियम तेरे दर ते आवा, मरियम तेरे दर ते आवा, जगनू तेरे गीत सुनावा, जगनू तेरे गीत सुनावा, मरियम तेरे दर ते आवा, तेरी चाहत मिल जांदी है, दिल नू राहत मिल जांदी है, मुक जांदे ने हंजू हवावां, मुक जांदे ने हंजू हवावां, जगनू तेरे गीत सुनावां, जगनू तेरे गीत सुनावां, मरियम तेरे दर ते आवां। जोरदार ताड़िया मैम वास्ते। मैम तुहाडा नाम की है? निशा। माइक च बोलो। निशा। हाँ जी निशा मैम की आवाज़ बहुत ही सोहनी आ, परमेश्वर ने तुहानू बहुत वधिया आवाज़ दिती है, बहुत वधिया खुदा ने तुहानू बरकत दिती है, तुसी अपना इनाम लै लो फादर जी कोलों। सो हुण असी इस एक्टिविटी के लास्ट राउंड वल जावांगे, ठीक है? जिथे लास्ट विच पहला एक्टिविटी खत्म हुई, फिर तो उत्थों ही स्टार्ट होएगी, ठीक है? म्यूजिक जल्दी पास करो। हाँ जी जिन्हों के कोल लास्ट विच आ गया आ जाओ जल्दी, इधरों भी इस तरफ तो भी, जिन्हों के कोल पहुंच गया बॉक्स आ जाओ छेती, आ जाओ जल्दी, डरन वाली कोई गल ही नहीं, बहुत ईजी आ। हाँ जी मैम तुसी बॉक्स ओपन करना ते पर्ची कढ़नी अपनी। पाक शाकत दा गीत। हाँ जी इन्हों का जो टास्क है वह है पाक शाकत दा गीत, कोई भी अपना मन पसंदीदा तुसी गीत गाना है, लेकिन वो पाक शाकत दा होना चाहिए, होली कम्यूनियन दा, ठीक है? हाँ जी। मेरे दिल दे बगीचे विच तालियां मार सकदे सी। आ जा ए यीशु प्यारे तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यीशु प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, एदा वाली हो जा तू, इस दिल नू कर ले अपना, एदा वाली हो जा तू, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ए यीशु प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, एदा वाली हो जा तू। हाँ जी बहुत वधिया उन्होंने गाया, जोरदार ताड़ियां मैम वास्ते, बहुत अच्छी आवाज़ है तुहाडी मैम। हाँ जी मैम तुसी हुण बॉक्स नू ओपन करो ते पर्ची काट लो। तुहानू पंजाबी नहीं आती? हाँ जी तुहाडा जो टास्क है वह है दुख दे भेद, तुहानू आंदे दुख दे भेद? नहीं। कोई होर? हाँ जी मैम आ जाओ पिछों, पिछे मैम ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी वाइट सूट वाले मैम, हाँ जी तुसी चले जाओ अपनी जगह ते। दुख दे पांच भेद। पहला भेद गत्समनी बाग विच प्रभु यीशु मसीह दी जान कंदनी, दूसरा प्रभु यीशु मसीह दा कोड़ियां दे नाल मारिया जाना,
तीसरा प्रभु यीशु मसीह दे सिर उत्ते कंडिया दा तास रखिया जाना। चौथा प्रभु यीशु मसीह दा सलीब नू चुक लेना। पंचवा प्रभु यीशु मसीह दा सलीब उत्ते मर जाना। जी बिल्कुल सही भेद बोले उन्होंने। जोरदार ताड़ियां मैम वास्ते। तुसी अपना इनाम ले लो फादर जी कोलो जाके, तुसी भी इनाम ले लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, असाडी जो थर्ड एक्टिविटी है उसका नाम है रीअरेंज द बिब्लिकल नेम्स। की नाम है उसका? इस विच की होएगा, थोड़े अगे एक वाइट बोर्ड आएगा। वाइट बोर्ड के उपर एक मैं बाइबल का नाम लिखांगी, ठीक है? कोई भी वो साडे फेमस करैक्टर होणगे बाइबल दे, ठीक है? वो जो नाम होएगा सही तरीके नाल नहीं लिखा होगा, यानी कि उसके जो अल्फाबैट सन, जो उसके अक्षर होणगे वो अगे पिछे लिखे होणगे, ठीक है? जिसनों भी वो समझ आ जाता है उसने की करना है, हाथ खड़ा करना है तो अगे आ जाना है। फिर तुसी उस नाम नू, उसके जो अल्फाबैट सन उसके तुसी सही तरीके दे नाल लिखने हन, ठीक है? अते जिसने भी वो सही तरीके दे नाल इस टास्क दे विच पार्टिसिपेट करके वधिया तरीके नाल लिख दिता, उसनू प्रार्थना भवन टीवी वालों स्पैशल गिफ्ट है, ठीक है? सो वाइट बोर्ड आ गया है अगे। हाँ जी, हुण मैम नाम लिखनगे, वो जो नाम होएगा सही नहीं होएगा, ठीक है? ध्यान दो सारे, जिसनू भी पता चल जाता है उसने हाथ खड़ा करना है, ठीक है? तो अगे आ जाना है। हाँ जी, किसनू पता लग गया? जिसने पहला पार्टिसिपेट किया वो ना आवे, दूसरे नू मौका दो, कोई होर। हाँ जी मैम, आ जाओ। हाँ जी बिल्कुल सही उन्होंने लिखा। की लिखा तुसी मैम? यिर्मयाह। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। की लिखा है? यिर्मयाह नबी। हाँ जी, की सीगा है? यिर्मयाह नबी। हाँ जी मैम, तुसी अपना इनाम ले लो फादर जी कोलो, जोरदार ताड़ियां मैम ली। हुण नैक्सट लिखा जाऊगा, तुसी ध्यान देना सारिया ने। हाँ जी, ध्यान दो सारे, जिसने पहला पार्टिसिपेट नहीं किया वो आवे। हाँ जी सर, तुसी तो नहीं लिया पहला पार्ट? हाँ जी, आ जाओ। नो नबी। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने सही लिखा, बोलिया भी बिल्कुल सही। तुहानू नू नबी बारे पता? हाँ जी बोल दो जो भी तुहानू पता। नू नबी एक खुदा दा नबी सी, ते जदो हड़ आया वड्डा, ते खुदा ने उन्होंने पहले कहता ही कि तुई एक किश्ती बनाउणी ते उहदे विच सारे जीव जंतु रखने तां कि उह बचाए जान। ते इसे तरह होया, अते उन्हां दे फैमिली ते सारे जीव जंतु जो उस शिप विच ही उह सारे बचाए गए। हाँ जी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, सही किया, जोरदार ताड़ियां सर ली। की होया सी उस टाइम? की होया सी जदो जल प्रलय आया सी, हाड़ आया सी? किन्ने दिन हाड़ आया सीगा? 40 दिन 40 रातां। ते नूह नबी दी फैमिली उहदे विच तबाह नहीं सी ना हुई? क्यों नहीं सी हुई? कातों नहीं सी हुई? क्योंकि वह परमेश्वर दा पूरा आज्ञाकारी सी, है ना? क्योंकि उस टाइम जो नूह नबी सीगा, परमेश्वर ने क्यों कहा सीगा कि मैं जल प्रलय लैके आना, मैं हाड़ लैके आना, तो सारी दुनिया नूं मैं तबाह कर देना? क्योंकि उस टाइम सारे लोग जो सी पाप दे विच फस गए सी, लेकिन यही एक फैमिली नूह नबी दी फैमिली सिर्फ परमेश्वर दे सामने आज्ञाकार सी अते पूरी रीति दे नाल खुदा दे विच चलदी सी। इस करके परमेश्वर ने नूह नूं कहा सीगा कि मैं तेरी फैमिली नूं बचावांगा, क्योंकि तू मेरे विच सिद्ध ठहरिया तो तू मेरा आज्ञाकारी है, अते तू हरेक जीव जंतु दे दो दो जोड़े एक जहाज बना अते उहदे विच रख, तां कि मैं उहनां नूं भी तेरे नाल बचा सकां, ठीक है? इसे तरह होया सी ना, असीं उत्पत्ति ग्रंथ विच पढ़ सकते हाँ, ठीक है ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो असी हुण इस एक्टिविटी दे नैक्सट राउंड वाल जावांगे। मैम दोबारा तो नाम लिखनगे। हाँ जी, पता लगा किसे नूं? आया किसे नूं समझ? हाँ जी, नहीं आया? हालेलुया, ध्यान दो सारे, बाइबल चो ही आ। हिंट दवा, ये एक किताब का नाम है, ठीक है?
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅਗਰ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜੋਇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਓਬਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਬਾਦਿਆ। ਓਬਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਬਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਦਿਓ। ਓਬਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਿਖਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆ ਜਾਓ। ਮਲਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਮਲਾਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜ਼ਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮੈਮ ਲਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਬਰਾਇਲ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੂੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
मौत है, है ना। सो इस करके सानू जकरिया पुरोहित वर्गू नहीं समक जो साढ़े अंदर दुख मुसीबत आदियां हैं हमेशा सानू पॉजिटिव शब्द बोलने चाहिए हैं अते वधिया अंगीकार करना चाहिए है कि असी इन्हां दुख बीमारियों चो बाहर निकल जाना असी ठीक हो जाना सानू परमेश्वर ने ठीक कर देना है। ठीक है, सो बहुत वधिया पैरिश एक्टिव पैरिश सब ने बहुत वधिया तरीके दे नाल पार्टिसिपेट लिया, जोरदार ताड़ियां तुहाडे सारिआं वास्ते। सुन मैं बेनती करती हाँ नई आबादी के पैरिश प्रिस्ट रेवरेंट फादर सिजित एंथनी जी अगे कि प्लीज अगे आन ते साडे नाल दो प्यार भरे शब्द सांझे करन। सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कस करके साडे कोल पहुंचे प्रार्थना भवन टीवी चैनल दा सारिआं दा धन्यवाद करन दे लई बाबू जी नूं सदा दिंदा हाँ। बाबू जी साडी सारी पैरिश दे नाते आए हुए सारिआं दा धन्यवाद करनगे। सो मसीह विच मेरे प्यारे भैणों अते खुदा दे बच्चिओ, साढ़े फादर जी हमेशा साढ़े लिए चंगा ही सोचते रहते हैं। मैं सब तो पहला खुदा का शुक्र करता हाँ जिन्हें इन्ना सोहना एक प्रोग्राम साड़ी नई आबादी पैरिश के लिए बनाया है। उस तो बाद साढ़े माणयोग फादर सिजित एंथनी जी और साढ़े सिस्टर साहिबान जड़े हमेशा मेहनत करते हैं रूहानी, उस तो बाद साढ़े विच पहुँचे साढ़े मैडम गीतू जिन्होंने बहुत ही प्यार दे नाल हर एक गल भी तुहानू समझाई है किहड़ी गल किदा है वचन के बारे भी दस्या है। इस करके मैं गीतू मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। ताली बजा के असीं प्रभु का शुक्र करांगे। इत्थे आए हुए साढ़े सारे कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं जड़े आपो अपनी सेवा दे विच लगे हैं उन्हां सारिआं दा भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। खास करके साढ़े जड़े भरा कैमरामैन उन्होंने बड़ी मेहनत की है सारे बन्ने सैट करना उन्हों का ही काम है, इसलिए उन्हों भरावान का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। धन्यवाद। सो असी धन्यवाद करते हाँ रेवरेंट फादर सिजित एंथनी जी का, उस दिन ही मैं धन्यवाद करती हाँ बाऊ जी सैमुअल जी का इन्हों प्रेरणामय शब्दों के लिए धन्यवाद। हुण मैं बेनती करती हाँ नई आबादी के क्वायर मैंबरस अगे कि प्लीज़ अगे आन ते एक भजन गाओ ताकि असीं उसनूं प्रार्थना भवन टीवी दे लई रिकॉर्ड कर सकीए। चमकने वस्त्र चन पैरां दे थल्ले सूरज वांगर चमकने वस्त्र चन पैरां दे थल्ले सिर तेरे ते ताज है सजदा हुक्म भी तेरा चले जोरदार ताड़ियां दे नाल धन्नवाद करते हाँ क्वायर मैंबरस का जिन्होंने बहुत ही वधिया भजन गाया माँ मरियम का।
उस माँ का भजन गाया जिसने सानू साडा जीवित परमेश्वर दिता। सो एक बार फिर तो असी जोरदार ताड़ियां दे नाल क्वायर मैंबर्स का धन्यवाद करते हाँ। सो मैं सब तो पहला महान परमेश्वर का जोरदार ताड़ियां दे नाल धन्यवाद करती हाँ जिसने सानू आज मौका दिता सी अपने नाम की स्तुति वड्याई करन दा। सो असी खुदा बाप का धन्यवाद करते हाँ। उस दे नाल ही मैं धन्यवाद करती हाँ रेवरेंड फादर सिजित एंथोनी जी का जो कि नई आबादी के पैरिश प्रिस्ट हैं जिन्होंने सानू मौका दिता अपनी पैरिश विच आउन दा। सो असी फादर जी का जोरदार ताड़ियां दे नाल धन्यवाद करते हाँ। उस दे नाल ही मैं धन्यवाद करती हाँ नई आबादी के सारे सिस्टर साहिबान बाबू जी साहिबान पैरिश काउंसल के मैंबर्स यूथ के मैंबर्स मरियम सेना के मैंबर्स अते नई आबादी की पूरी कलीसिया का जोरदार ताड़ियां दे नाल धन्यवाद है। तुसी देख रहे सी प्रातः पवन टीवी का प्रोग्राम गल्लां कलाम दियां। उम्मीद करते हाँ दोस्तों तुहानू ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। तुसी इस प्रोग्राम नू देख सकते हो हर एतवार शाम नू 6 बजे एयरटेल डिश दे 675 नंबर ते अते यूट्यूब ते भी जाके तुसी इस प्रोग्राम नू देख सकते हो। हुण मिन्नू गीतू पॉल नू दियो इजाजत। मिलते हाँ अगले एपीसोड दे विच। तद तक परमेश्वर दे कलाम विच वधदे रहो प्रार्थना करते रहो ईमान विच वधदे रहो अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी। सारयां नू जय यीशु मसीह दी।